ईस्वी में बनी मसूलीपट्टनम में, ये कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। और इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी जो बनी थी 1610 1610 ईस्वी में बनी, ये इन्होंने कहां बनाई? पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, और दूसरा पुलिकट, पुलिकट तमिलनाडु। हम पढ़ चुके हैं पुलिकट झील के बारे में, कि यहां पे आंध्र तमिलनाडु की सीमा पर एक पुलिकट झील के बारे में पढ़ते हैं, जहां पे श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, इसके बारे में तुम जानते हैं जो किस तरह के द्वीप है। भूगोल के लेक्चर में द्वीपों के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग द्वीप यहाँ पे कौन कौन से द्वीप है, वेस्टर्न कॉस्ट पे कौन कौन से द्वीप है और ईस्टर्न कॉस्ट पे कौन कौन से द्वीप है। तो पुलिकट द्वीप जो है वहां पे एक है, पुलिकट झील के ऊपर एक श्रीहरिकोटा आईलैंड है, ठीक है, जहां पर सतीश धवन रिसर्च सेंटर है। अब पुलिकट में पहली व्यापारिक कोठी इनकी कहां थी? मसूलीपट्टनम में, और दूसरी कहां थी? पुलिकट तमिलनाडु। अगर हम बात करें बंगाल में इन्होंने कहां कहां व्यापारिक कोठियां खोली थी, तो पीपली में और चिंसुरा में। अगर हम बात करें बंगाल की तो इन्होंने पीपली में और चिंसुरा में अपनी व्यापारिक कोठियां खोली पर ये बिजनेस ही कर पाए, क्योंकि इन्होंने को पहली बार कहा जाता है कि औद्योगिक वेतन भोगी इन्होंने रखे थे, कि जो इनके डेली बेसिस पर काम कर रहे थे अपनी फैक्ट्री से, इन्होंने सोने के सिक्कों को ढालना शुरू किया। कई कोशिश की, लेकिन फाइनली इनकी हार कैसे, इनका पतन कैसे हुआ? 1759 वॉर ऑफ वेदरा, वेदरा का युद्ध जो डचों और अंग्रेजों के बीच में, डी वर्सेस डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच में जो युद्ध हुआ, और फाइनली 1759 में इनका आखिर रूप से पतन हो गया। तो हमने इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या जानी कि अगर कभी सवाल आता है पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी, सबसे पहले हम देखा ये क्रम याद रखिएगा, पोर्तुगीज की पहली व्यापारिक कोठी या बिजनेस फैक्ट्री कौन सी थी? कोचीन, ठीक है, 1503 में। और डचेस की पहली व्यापारिक कोठी जो हुई थी वो थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये कब हुआ था? 1605। और दूसरी अभी हमने पढ़ा 1610 में, 1610 ईस्वी में पुलिकट में। तो डचेस का भी यहां पे फाइनली डाउनफॉल होने लगा। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में ये दो चीज के बारे में जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ब्रिटिशर्स, ठीक है, अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। तो अंग्रेजों में भी यही कहानी होगी कि वो लोग भी आए तो थे बिजनेस करने, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कैसे आई इंडिया में, और किस तरह धीरे धीरे उन्होंने पहले बिजनेस को बढ़ाया और धीरे धीरे वो हम पे रूल करने लगे। सो यू विल सी दैट नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टूडे आई थिंक दैट इज इनफ। सो आई होप यू गाइज आर मेकिंग सम नोट्स, और अगर नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से जानकारियां भी मिलेंगी सब्जेक्ट के बारे में भी, और शायद एक समझ विकसित होगी। थैंक यू वेरी मच।